YouTube के प्राचीन कहानियां चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने थॉट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और आई होप कि ये जो थॉट्स आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ये आपको मदद करेंगे, हील करेंगे जिस भी पेन से आप गुजर रहे हो। मैंने नोटिस करता हूँ कि आप मेरा कमेंट सेक्शन बॉक्स वीडियो के नीचे भरा रहता है, ये सोच के कि मेरा बेटा इस डेट को चला गया, मेरी पत्नी की इस डेट को डेथ हो गई, मेरे हस्बैंड की तब मृत्यु हो गई, अब मैं इस दुख से गुजर रही हूँ, गुजर रहा हूँ, अब मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगी, इस तरह से। तो उन सबके लिए आज मैं अपना एक थॉट इस वीडियो के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को का जो भी कॉन्टेंट रहेगा उसको आप समझने की कोशिश करोगे। बहुत डिफ़िकल्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि डिफ़िकल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे चल के मैं बताऊँगा आज मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले आपका एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूँ, एक क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि आप उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। जनरली या दरअसल हम उन सारी चीज़ों को देखते हैं जो हमारी आँखों से दिखती हैं, जैसे कि पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा, इधर एक डोर दिख रहा होगा, मुझे आगे की जो वस्तु हैं, जो पेड़ हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आज उस चीज़ को आप देखने की कोशिश करो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बिलीव करो मत करो, ये आपका पूरा मानना है, आप इसके लिए फ्री हो, लेकिन स्टिल चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को देखो। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति की डेथ होती है उसके ऊपर मैंने एक इंग्लिश में कोट भी लिखा है, अगर मैं चाहूँ तो बता देता हूँ कि देर आर नो गुड बाय। हम बोलते हैं ना कि चलो अब हम जा रहे हैं तो गुड बाय, तो इस गुड बाय को मैंने उस संदर्भ में लिखा है जब किसी की डेथ हो जाती है। बिकॉज वी डोंट डाई, वी जस्ट ट्रांसफॉर्म, सो सी यू फॉर एवर, सी यू इन द नेक्स्ट डायमेंशन व्हेन आवर सोल आर फ्री, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये 3D वर्ल्ड है। तो इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम कभी गुड बाय नहीं करते, हम कभी किसी को अलविदा कह ही नहीं सकते, हम कभी मरते भी नहीं, हम सिर्फ बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गए, आज मैं इस वेशभूषा में हूँ, जब मैं ट्रांसफॉर्म होऊंगा तो दूसरे डायमेंशन में चेंज हो जाऊंगा, एक जो हमारी असली फॉर्म है ना उसमें बदल जाऊंगा, एक सोल वर्ल्ड में, सोल फॉर्म में चला जाऊंगा। इसी हिसाब से जो आपके साथी थे, जिनको आप प्यार करते थे, आपका कोई बेटा था, आपकी कोई बेटी थी, आपके हस्बैंड थे, आपकी कोई वाइफ थी, कोई मरा नहीं है, वो कभी मर नहीं सकते, वो बस दूसरे डायमेंशन में, जो हमारी आंखों से, इन आंखों से नहीं देख सकते, उस डायमेंशन में चले गए हैं। और जब हम भी उस डायमेंशन में जाएंगे तो हम मिलेंगे। अब देखिए, विरोधाभास नहीं आना चाहिए कि वो तो अगला जन्म ले लेंगे, तो कैसे मिलेंगे। तो मैं ये यहाँ पर आर्गुमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे थॉट को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी करुणा को समझिए, मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब आप उस डायमेंशन में बन जाओगे, उसके हिसाब से आप की जो सोल इस शरीर में जकड़ी हुई है, इस सोल से फ्री हो जाओगे, तो हम वहाँ पर मिलेंगे। हो सकता है मैं भी आपको मिल जाऊँ, या जो मेरे साथी थे या साथी हैं जिन्हें भी मैं चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ हो जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जो जकड़न है इससे पार पानी होगी। अब इससे पार पाने का मतलब ये नहीं है कि मैं छत पर बैठा हूँ, वहाँ से छलांग लगा दूँ, वहाँ शरीर को नष्ट कर दूँ, किसी से मरवा लूँ। नो, इट्स नॉट द वे। हमें ऑर्गेनिक वे चुनना है, हमें खुद से अपने सोल को पास ऑन कराना है, हमें अपने जो काम दिए हैं उस काम को सक्सेस करना है, तब हम यहाँ से जाएंगे, उससे पहले हम नहीं चाहते। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है कि हम मरते नहीं हैं, इस चीज़ को समझो। जो चीज़ आज आप माया जाल देख रहे हो ना, वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ वो है जो आपकी इंद्रियाँ देख पा रही हैं, हकीकत वो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और उन हकीकत को सिर्फ आप तब देख सकते हो जब आपका कंट्रोल इन इंद्रियों पर हो जाएगा। आप उन सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दोगे जो इन आँखों से वो चीज़ नहीं दिखती है, वो सिर्फ यहाँ से दिखती है, वो सिर्फ यहाँ से दिखती है, सोल से। तो जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम सिर्फ बदलते हैं, मरते कभी भी नहीं। आप सब मिलोगे, लेकिन उन मिलने के चक्कर में आज अगर आप कोई गलत स्टेप उठा लोगे,
अपने शरीर को किसी भी गलत तरीके से ख़त्म कर लोगे, वो सबसे गलत चीज़ है। तो हमें वो कदम तो उठाना ही नहीं है, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट हमें अपने इस जकड़न को अच्छे से इससे छुटकारा पाना है। जिस वजह से हमने इस जकड़न में है, ये हमने चूज करा है, खुद हमारी ये है बनाई हुई, तो इसको उसको वर्थ बनाना है कि कैसे ये हमारे लिए अच्छा हो जाए और जिससे हम जो चाहते हैं उस सोल के लिए उनके लिए भी इजी एक्सेस हो जाए आपसे मिलना, तो इसको डिफिकल्ट और नहीं बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप जहाँ पे भी हो, जो भी दिक्कत से हो, जो जैसे भी गुजर रहे हो, बिलीव मी, ट्रस्ट कर सकते हो आप, जिन लोगों को आप मिस करते हो, जिन लोगों को भी आपने खोया है, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन द वे यू वॉन्ट देम वो उस हिसाब से नहीं सोचते कि वो आपके पास आए, आपको कोई मैसेज दें, आपको सारी चीज़ें आसान कर दें, ऐसे करके वैसे कर दें, आपसे बात कर लें, नॉट दैट वे। उनके अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से आपको चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग भी देते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए प्रे भी करते हैं, उनके एंजल्स हैं जो उनसे बड़े हैं। लेकिन हम क्या होते हैं कि हम उनको हमेशा डाउन ले जाने की कोशिश करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके कितनी केयर करते हैं, लेकिन हम उनको डाउन करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ में बस मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि हम कभी नहीं मरते, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म होते हैं एक अलग डायमेंशन में, जो यहाँ से ऊपर की चीज़ है, जो हमें ईजिली समझ में नहीं आ सकती, उसको समझने के लिए हमें एक अलग लेवल से होना पड़ेगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ऐसी चीज़ें जो मैं भी बता रहा हूँ, ये बहुत एक अलग लेवल पे है, और उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा उसमें, चाहे मेडिटेशन के द्वारा उतरो, चाहे अपने जीवन को समझ के उतरो, जैसे भी। लेकिन इन इंद्रियों पर जब आप बस में ले लोगे इनको, जबरदस्ती से नहीं, कंट्रोल करके नहीं, तब जब नेचुरली इन पर आपका पकड़ बन जाए, इन पर आपकी ऐसी मजबूती के साथ में पकड़ बन जाए कि हाँ आप उन सारी चीज़ों को तो देख ही रहे हो जो इन इंद्रियों से देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हो जो हमें दूसरे हिसाब से देखनी होती है, तो उसके रास्ते आपको पता है, आप उनमें कंप्लीटली समाधि में चले जाओगे। समाधि का है दूसरा मतलब मत लेना, बस मैं एक वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गलत मिसगाइड बहुत होते हैं, क्योंकि पीपल बहुत जल्दी मिसगाइड होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप मिसगाइड हो। तो जब तक आप उसमें उतर नहीं जाओगे, रम नहीं जाओगे, तब तक वो शायद अचीव नहीं होगा। अगर अचीव नहीं कर सकते तो आपको वेट करना पड़ेगा उस डायमेंशन में जाने के लिए, उसके लिए इस शरीर से, इस जकड़न से जो आज कमा सकते हो कमा लो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे कोई सवाल है, कुछ सुझाव है तो नीचे पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से। चैनल का कंटेंट आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, करो मत करो, हम तो अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की इस वीडियो में आपको ये बताते हुए कि मैंने आपसे बहुत पहले एक प्रॉमिस किया था कि हमारी बहुत जल्द अमेजन किंडल और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारी जो एक स्पिरिचुअल बुक है जिसका नाम प्योर स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, और वो लॉन्च हो चुकी है। कुछ लोगों ने उसको ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यानी कि जो रिव्यू रहते हैं उनको भी शेयर किया है। तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुँचा सकती है स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, तो आपके पास में भी वो चांस है कि जाओ उस बुक को पढ़ो और अपनी प्रतिक्रिया भी शेयर करो। क्योंकि मैंने अक्सर क्या देखा है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, हम दो तीन बुक कहीं ना इधर से पढ़ लेते हैं या चार वीडियो उस चैनल की देख लें, चार वीडियो उस चैनल की देख लें, लेकिन जो एक रूट केस होता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊं, देखिए हमने ये तो देख लिया कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं कभी देखा होगा या ये कभी नहीं पढ़ा होगा या ये कभी नहीं सुना होगा कि चलो मृत्यु होगी, सोल चलेगी, सोल जाने के बाद में एक गर्भ में कैसे आती है, कितने टाइम बाद आती है, और एक गर्भ में आने का प्रोसेस क्या रहता है, गर्भ आने के बाद में बच्चा 2 साल तक क्या क्या सोचता है, जब तक बच्चा बोल नहीं पाता तब तक क्या सोचता है, बच्चा सडन से क्यों रोता है, सडन से क्यों हंसता है, उसके बाद में बड़ा होता है तो उसके हम अंदर कितना घोल मिलाप करते हैं, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको हम कैसे तहस-नहस करते हैं। मैंने इसी तरह के हजारों चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, 120 पेज की बुक है, बहुत अच्छे अच्छे लेख भी उसमें नीचे दिए हुए हैं। अगर आपने बुक पढ़ ली तो मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर कर सकता हूँ
कि आपकी एक सिंगल पैनी भी वेस्ट नहीं होगी और आपको उतना सब कुछ मिल जाएगा जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका मरने का जीने का ये सारा जो भय है वो खत्म हो जाएगा, आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा जिस पर आप चलना चाहते हो, जो एक सच्चा रास्ता है जिसमें किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होगा बल्कि आपके लिए अच्छाई का रास्ता बनेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। और सबसे जो अलग करती है उस बुक को वो ये है कि मैंने जिस भाषा का उसमें यूज़ किया है, बेसिक हिंदी मतलब हम व्हाट्सएप पे जब चैट करते हैं अपने दोस्तों से या रिलेटिव से उसमें हम कैसे करते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखेंगे और इस तरह से, लेकिन उसमें मैंने क्या करा है, सेम वही लैंग्वेज उसको हिंदी में करके लिखा है, जो आपको कोई भी जैसे होता है ना कि हमारे ग्रंथों में एक हार्ड डिफिकल्ट हिंदी होती है, कई बार तो मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता होता, तो हम जिस जनरेशन के व्यक्ति हैं उस जनरेशन के हिसाब से मैंने उसको टाइप किया है। और उसमें क्या है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको एक्साइटेड करेगी, आपको रोमांचक के उस दौर में लेके जाएगी जहां आप उस बुक को पढ़ना चाहोगे और इसके साथ साथ में इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये बुक आपको निराश नहीं करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।